नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल की पहल पर अब वार्डवार जन समस्या निराकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी से वार्डवासियों को राहत मिल सके और उन्हें मुख्य कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए अपने वार्ड वासियों को किसी भी कार्य के लिए मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय ना जाना पड़े, इस उद्देश्य को लेकर जन समस्या निराकरण शिविरों का आयोजन प्रत्येक वार्डो में किया जा रहा है। ऐसा ही एक शिविर निगम भिलाई शहर के वार्ड 7 राधिका नगर के सामुदायिक भवन में लगाया गया, जहाँ क्षेत्र के रहवासी अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे। इन समस्याओं में मुख्य रूप से घरों को फ्री होल्ड कराने के आवेदन बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए, क्योंकि राधिका नगर का क्षेत्र लगभग 30 सालों से काबिज है और अब उस पर पूर्ण रूप से मालिकाना हक प्राप्त किया जाना है, जिसके लिए क्षेत्र के रहवासियों ने जल्द से जल्द क्षेत्र को फ्री होल्ड कराने के आवेदन प्रस्तुत किए, जिस पर वार्ड पार्षद की गैर मौजूदगी में पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के संज्ञान में ये बात लाई जाएगी और जल्द से जल्द इसका निराकरण भी कराया जाएगा। वहीं एक वार्डवासी ने कुछ अन्य समस्याओं के बारे में न्यूज टीम को अवगत कराया और उन समस्याओं का भी जल्द निराकरण करने की मांग की। एक अच्छा पहल है, जिस काम के लिए हमको नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता है, वो सरकार आज हमारे द्वारा दर्जे पे आ गई है, हमारे घर पे आके हमारी समस्या का समाधान के लिए जानकारी ले रही है कि आपके मोहल्ले में सड़क पानी की जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आज यहाँ आए हैं। हम तो उनका स्वागत करते हैं कि हमारे मोहल्ले में आकर हमारी समस्या सुना जा रहा है। अब इसके पहले हम लोगों ने नवनिर्वाचित पार्षद से गुहार लगाई थी, तो वो उसका सामने स्पष्ट उदाहरण है। देखिए ये किस तरह सीमेंटीकरण हुआ है, किस तरह सौंदर्यीकरण हुआ है, डोम सेट बना है और हमारे इलाकों में बहुत सारी करीब नालियां बन गई, सीमेंटीकरण पक्का सड़क हो रहा है। मेरे ख्याल से बाकी वार्डों से तो ज़्यादा ही यहाँ काम हो रहा है। अब ये शिकायत नहीं है कि मेरे मोहल्ले में काम नहीं हुआ, अब ये शिकायत आ रही है कि पानी का पंप तो है, पानी का कनेक्शन तो चल रहा है, लेकिन वो दूसरे के घर के सामने खुला है, मेरे घर के सामने नहीं खुला है। ये समस्या, ये शिकायत आ रही है और हम भी आए हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कि अभी सड़क जो बन रहा है उसमें हमारे घर के पास का भी सड़क का निर्माण हो, ये हम गुहार लगाने आए हैं। लेकिन कामों से इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि काम बड़े तीव्र गति से हो रहा है इस वार्ड में तरीके से, और ये वार्ड पार्षद की जागरूकता का परिचय है। हम तो संतुष्ट हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे इस वार्ड का चौमुखी विकास होगा। यहाँ पे जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ, आप ये देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री तुहर द्वार एक कार्यक्रम चल रहा है, वैसे ही महापौर जी के निर्देशों के अनुसार नगर निगम तुहर द्वार आ रहा है। आज वार्ड 7 राधिका नगर में जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ है, जिसके लिए सर्वप्रथम में माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के बहुत ही विकास पुरुष कहे जाने वाले महापौर माननीय नीरज पाल जी का, युवा पार्षद MIC मेंबर बड़े भाई आदित्य सिंह जी का सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो ये नया चालू किया जन समस्या निवारण शिविर हर वार्ड में, उससे यहाँ वार्ड वासियों की जो समस्या, जिनके लिए इस बड़ी गर्मी में लोगों को वहाँ जाना पड़ता था, आज वो यहाँ पे लगा हुआ है। सर्वप्रथम हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा फ्री होल्ड, क्योंकि ये सबसे पुरानी कॉलोनी इस नगर निगम क्षेत्र की है, जिसका बहुत सारे मकानों का 30 साल हो चुका है फ्री होल्ड लीज नवीनकरण, जिसके लिए आज सर्वप्रथम इतने आवेदन आ रहे हैं। जो अधिक आवेदन है वो लीज नवीनीकरण और फ्री होल्ड के लिए आ रहे हैं, बाकी रोड नाली की जो समस्या है उसके लिए भी त्वरित निदान होते जा रहे हैं, इसलिए उसके ज़्यादा समस्या नहीं आ रहा, थोड़े बहुत पानी की समस्या और साफ सफाई के लिए आ रहा है, जिसके लिए निगम प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करी जा रही है। बाकी यहाँ पे विकास तो आपको खुद देख रहे होंगे, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि विकास अब दिख रहा है, 15 सालों बाद पहली बार ऐसा है कि राधिका नगर अपने विकास को खुद देख रहा है। यहाँ पे रोड नाली और जो भी सौंदर्यीकरण जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, इसलिए विकास के मुद्दे को कोई भी शिकायत नहीं आ रही। जो भी शिकायत आ रही है फ्री होल्ड और ये सब के लिए आ रही है, और इस शिकायत न आने का सबसे प्रमुख कारण
कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का, और सबसे बड़ी बात जागरूक महापौर और जागरूक पार्षद, इसके लिए मैं दोनों का साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। निगम भिलाई द्वारा लगाए जा रहे जन समस्या निराकरण शिविरों में क्षेत्रवासियों द्वारा दिए जा रहे शिकायती आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे वार्डवासियों को अपनी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।